Bismillahirrahmanirrahim. Cost of capital mean the expenditure paid out to the capital provider. यानी आप जहाँ से capital contribute करते हैं, हम कहाँ से करते हैं? हम debt से करते हैं, हम preferred stockholder से करते हैं, हम common stockholder equity से करते हैं. अब इन लोगों को हमने कुछ देना भी होता है. यानी debt को हम interest देते हैं, preferred stock को preferred dividend और common stock को common dividend देते हैं. सही है? तो ये इनकी क्या है? Cost. तो cost of capital is what? Cost of capital is the expenditure paid out to the capital provider. ये company perspective से है. Investor perspective से ये है कि the minimum required rate of return the investor expect from the investment. यानी वो minimum required rate of return जो एक investor expect करता है अपने investments. तो cost of capital को हम पहले यानी इसके ingredients सीखते हैं, फिर combined weight पर हम आएंगे. सबसे पहले है cost of debt. कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल होता है आई इंटू वन माइनस टी. आई वो इंटरेस्ट रेट है जो बिफोर इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स. सही है? जो हम इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम करते हैं तो ये फिर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स होगा. सही है? तो आई इंटरेस्ट रेट वन माइनस टी, टी जो है टैक्स रेट है. ये क्यों माइनस होता है? टैक्स टैक्स एक शील्ड है जिससे आपका वो कॉस्ट ऑफ डेट जो है कम हो जाता है. दूसरा जो मेथड है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इक्वल होता है डी डिवाइडेड बाय पी. डी वो डिविडेंड है जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को दिया जाता है, पी इसकी प्राइस है. या अगर इसके साथ फ्लोटेशन कास्ट हो, फ्लोटेशन कास्ट जो इनिशियल कास्ट होती है शेयर को इशू करने के लिए, अगर वो साथ गिवन हो तो फिर डी डिवाइड बाई पी वन माइनस है. तीसरा जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इसके तीन अप्रोचेज हैं. पहला अप्रोच कहलाता है रिस्क फ्री प्लस प्रीमियम. रिस्क फ्री प्लस प्रीमियम ये इसको इस तरह पढ़ोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिस्क फ्री प्लस प्रीमियम इक्वल है रिस्क फ्री प्लस प्रीमियम वन और प्रीमियम टू. रिस्क फ्री से मुराद वो इंटरेस्ट रेट है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर ऑफर किया जाता है, ये अदर इंस्ट्रूमेंट से सबसे कम होता है. प्रीमियम वन यानी आपके जो स्टॉक पर रिटर्न है वो रिस्क फ्री से कितना ज़्यादा है. प्रीमियम टू और बॉन्ड का जो रिटर्न है वो रिस्क फ्री से कितना ज़्यादा है. सही है? छोटा सा एग्जांपल भी इधर मैंने किया है कि अगर रिस्क फ्री 5% हो, स्टॉक पर 10% हो और बॉन्ड पर 9% हो तो हम प्रीमियम वन किस तरह मालूम करेंगे? 10% यानी स्टॉक का माइनस रिस्क फ्री, तो ये 5% आ जाता है और प्रीमियम टू जो है 4% आ जाता है. पुटिंग करने से ये आपका एक मॉडल बन जाता है कि रिस्क फ्री प्लस प्रीमियम वन प्रीमियम टू. दूसरा अप्रोच डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कहलाता है. इसमें ग्रोथ का फैक्टर शामिल कर दिया जाता है. ये इक्वल होता है डी वन डिवाइड बाई पी प्लस जी. डी फॉर डिविडेंड, पी फॉर प्राइस एंड जी फॉर ग्रोथ रेट. इस पर हम एग्जाम्पल करेंगे. सही किपिन ये 1960s में तीन स्कॉलर ने इस पर स्टडी की थी, विलियम ने, मेसन और लेंटर ने, और उसने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मॉडल पेश किया था. इसके मुताबिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी के पर इक्वल होता है रिस्क फ्री प्लस बीटा मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री. अच्छा, आर एफ तो रिस्क फ्री हुआ, आर एम तो मार्केट रिटर्न हुआ. बीटा एक नया कंसेप्ट है. बीटा इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न. सही है? बीटा यानी मार्केट रिटर्न और स्टॉक रिटर्न के दरमियान रिलेशनशिप. बीटा अगर वन से ज्यादा होगा तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट से ज्यादा होगा. अगर ये वन के इक्वल होगा तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट रिटर्न के इक्वल होगा. और अगर ये लेस देन वन होगा तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका आंसर जो है वो मार्केट रिटर्न से कम आएगा. लास्ट जो है सबको हम कंबाइन करेंगे और उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सही है? अगर आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी हो तो फिर वेट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. वेट हम किस तरह मालूम करेंगे? फॉर एग्जांपल आपका 1000 रुपए है, 1000 में आपने डेट में कितने लगाए हैं? 400, तो 400 डिवाइड बाय 1000 यानी 40% आपका वेट डेट का हो जाएगा. और 600 डिवाइड बाय 1000 ये वेट आपका किस का हो जाएगा? इक्विटी. लेकिन अगर आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में तीनों इंग्रेडिएंट हो, डेट भी हो, प्रेफर्ड स्टॉक भी हो और इक्विटी भी हो, तो फिर आपका ये बनेगा वेट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इनटू कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक प्लस वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये वेट इस पर हम एग्जांपल करेंगे. आप लोग वीडियो को देखते जाए, इंशाल्लाह इसके बाद जो होगा इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम वगैरह ये करेंगे. थैंक यू.